महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 90,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ये सितारे तमाम सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोरोना की मार पड़ रही है। मलाइका से लेकर विकी कौशल तक तमाम ऐसे सितारे हैं जिनकी बिल्डिंग सील कर दी गई है, क्योंकि उनके अपार्टमेंट में कोरोना मरीज मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों लॉकडाउन में अपने घर पर ही हैं, लेकिन इसी बीच मलाइका की बिल्डिंग में एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। मलाइका की बिल्डिंग में एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिल्डिंग के बाहर कंटेनमेंट जोन लिखकर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब मलाइका जरूरी सामान लाने के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती। राशन उनके अपार्टमेंट के गेट तक पहुँचाया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल मुंबई की ओबरॉय स्प्रिंग सोसाइटी में रहते हैं। उनके अपार्टमेंट में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के 20 से ज्यादा सितारों के घर हैं। उनकी सोसाइटी में एक 11 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लिहाजा विकी की बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया। बेहद टू एक्टर शिविन नारंग की बिल्डिंग को सील किया गया था, क्योंकि एक रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शिविन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हमारी बिल्डिंग सील हो गई है। सोसाइटी में नियम कायदे कड़े कर दिए गए हैं, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। जरूरत का सामान सोसाइटी के गेट से ही लेना होता था। टीवी के पॉपुलर शो छोटी सरदारनी में नजर आने वाले एक्टर अमल सहरावत मुंबई के अंधेरी वेस्ट की एक सोसाइटी में रहते हैं। कुछ दिन पहले अमल की बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था, जिसके बाद अमल की बिल्डिंग को बीएमसी ने सील कर दिया था। सोसाइटी से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुंबई की एक सोसाइटी ग्रीन एकर में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले अर्जुन की बिल्डिंग में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर अर्जुन और उनकी वाइफ ने खुद को भी क्वारंटाइन कर लिया था। अक्षय के साथ हॉलीडे में विलेन के रोल में नजर आए एक्टर फ्रेडी दारूवाला के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बीएमसी ने फ्रेडी के बंगले को सील कर दिया था। बीएमसी ने बंगले के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया था। मुंबई के मलाड में रह रही अंकिता लोखंडे के पड़ोस में एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। ये शख्स मार्च के महीने में स्पेन से वापस लौटा था और अप्रैल में इसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बागा का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय बेकरिया की बिल्डिंग भी हाल ही में सील हो गई थी। कांदीवाली वेस्ट में रहने वाले तन्मय की बिल्डिंग के पास सब्जी बेचने वाले वेंडर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी भाभी का किरदार निभाने वाली सोनालिका जोशी की बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया था। सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स कोरोना का शिकार हो गया था।